किरतपुर। जमीयत उलेमा हिंद के राष्ट्रीय आह्वान पर यहां तहसील नजीबाबाद स्तर पर किरतपुर शाखा द्वारा आयोजित सद्भावना सम्मेलन में दोनों वर्ग के लोगों ने शामिल होकर हिंदू मुस्लिम एकता की डोर को और मजबूत करने का संकल्प लिया। यहां मोतीचूर के पास स्थित इंडियन पब्लिक स्कूल के विशाल प्रांगण में आयोजित कार्यक्रम की शुरुआत कारी महबूब आलम की तिलावत कुरान से हुई और नात मोहम्मद हम्माद ने पेश की, जबकि अध्यक्षता तहसील नजीबाबाद जमीयत के सदर मुफ्ती मौशून ने इफ्तिखार ने की व सफल संचालन मौलाना कलीमुज़्ज़मा मेमन सादात ने किया। इस मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने हिंदू मुस्लिम एकता कायम रखने, आपसी भाईचारे को बढ़ावा देने पर जोर देते हुए कहा कि हिंदुस्तान हम सबका है, इसे आज़ाद कराने में सभी धर्मों के लोगों ने कुर्बानियां दी। हिंदू मुस्लिम साइकिल के दो पहिए हैं। हिंदुस्तान वो गुलदस्ता है जिसमें तरह तरह के फूल खिलते हैं। उन्होंने कहा कि हम हर दर्द बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन हिंदुस्तान की फिजा खराब नहीं होने देंगे। वक्ताओं का कहना था कि हिंदुस्तान पर जब जब संकट की घड़ी आई तब तब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक पंगति में खड़े नजर आए। हमारे देश में विभिन्न धर्मों के मानने वाले लोग रहते हैं जिसकी एकता की मिसाल विदेशों में भी दी जाती है। उन्होंने कार्यक्रम की भूरी भूरी प्रशंसा की और इस प्रकार के कार्यक्रम बार बार आयोजित कराए जाने पर बल दिया। इस मौके पर चेयरमैन अब्दुल मन्नान, राष्ट्रीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी महिपाल सिंह, वरिष्ठ समाजसेवी मौशून साइम राजा, मुफ्ती कलीम अहमद, मौलाना मुख्तार अहमद कासमी, प्रदीप अग्रवाल, जे शून्य पी शून्य वार्षणय, अरविंद जैन, प्रधानचार्य कैप्टन मजहर नामी, पंडित सुशील कुमार शर्मा, शाहिद अली खान, साहिल मेहरा, तारिक अली सिद्दीकी, प्रधानाचार्य प्रेम राज आर्य, हारिस अली सिद्दीकी, पूर्व राज्य मंत्री धनी राम सिंह, होली कमेटी के अध्यक्ष कपिल रस्तोगी, कारी मौशून्य मेहरबान, मौलाना असद रहमानी, हाफिज मुनशिफ आलम, कारी अहमद हसन, मौलाना शमीम अख्तर, मौलाना सैयद शेर अली व मौलाना मौशून्य सैयद अम्मार मेमन सादात सहित अनेक लोगों ने अपने विचार रखे। अंत में मुफ्ती मौशून्य इफ्तिखार ने मुल्क की शांति के लिए दुआ कराई। सभी ने तकरीर से आपसे सब कुछ कह दिया। मैं तीन चार बातें आपसे तकरीर न कहकर कुछ कहना चाहता हूँ। कि मुझे हिंदुस्तान से दीन की हवा आती है, उसी को बात को मैं अपनी तरफ से तो बेशक कह रहा हूं, लेकिन ये अल्फाज एक बहुत बड़े धर्मगुरु जो हिंदू साहिबान के थे मुझे लखनऊ में मिले और कम से कम एक घंटा उन्होंने मुझसे गुफ्तगू की। उन्होंने ये बात कही थी कि हुजूर का ये कहना है। दूसरी बात, ये हिंदुस्तान का जिक्र उस वक्त है और उसके बाद हिंदुस्तान के अंदर रजवाड़ों की हुकूमत रही जो सब हम पर सरपरस्ती करते रहे, लेकिन उन्होंने किसी ना किसी कमजोरी की वजह से मुसलमानों को यहाँ पर हुकूमत की दावत दी और उन्होंने आकर मुसलमानों की यहाँ पर हुकूमत की जो सब जो उन्होंने 1000 तक हुकूमत करी 1000 साल। लेकिन हमारी कमजोरी कह लीजिए, बदआबादी कह लीजिए, जो भी कहें उसको मैं नहीं कह सकता, लेकिन अंग्रेजों ने हमसे हुकूमत की थी ना कि हिंदू भाइयों ने हमसे हुकूमत की। तो ये मुल्क हमेशा से उस वक्त भी 20 और 80 की उसमें था और आज भी उसी कंडीशन में खड़ा है। तो लिहाजा ये हमारे अमालों की सजा है। हमसे आप लोगों से दुआ है खासतौर से कि अपने अमालों को दुरुस्तगी की तरफ ले जाए। इंशाअल्लाह कोई हम पंछी पर भी नहीं मार सकता। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। हमारे इमाम खदीज साहब ने बहुत उम्दा बात फरमाई। आज की इस कार्यक्रम के अध्यक्ष और मंच पर आसमिन हमारे नगर की बड़ी बड़ी हस्ती और हमारे बाहर से आए हुए मेहमान, नगर के बड़े बड़े मेहमान हमारे सब, मैं उनका सबसे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरे को यहाँ बुलाया। और देखिए, सही बात तो ये है कि हम लोग बातें बहुत लंबी लंबी करते हैं मगर हकीकत कुछ और है। हमारे चेहरे पर सबके नकाब लगे हुए हैं, कोई भी अपना नकाब नहीं हटाना चाहता और बोलता कुछ है, करता कुछ है, दिखाई कुछ देता है, उस चीज़ से हम लोगों को बचना चाहिए। मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी जो दुविधा है हमारे अंदर मतलब एक इंसान के अंदर जो सबसे बड़ी दुविधा है वो है एक पक्षपात। कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसके जीवन में ऐसा मौका ना आता हो कि उसे कोई भी निर्णय लेना पड़े और वो अगर ईमानदारी से निर्णय ले ले तो मैं समझता हूँ कभी जीवन में हमारे ये भेदभाव पैदा ही नहीं होगा। हम लोग
सन 80 में मेरे पास कुछ नहीं था, 25 पैसे भी अपने नहीं थे। एक अलाउद्दीन नमकीन वाले हैं, भी दोनों जिंदा हैं। अगर भगवान के बाद मानता हूं तो मैं उनको मानता हूं। वो इसलिए मानता हूं कि उन्होंने जितनी मेरी मदद करी है, बस मैं कहता हूं कि मतलब मैं अगर उनको अपने शरीर का एक कतरा भी दे दूं तो भी मैं वो पूरी नहीं कर सकता। मेरे हिंदू भाई ने उस टाइम मुझे किसी ने मदद नहीं करी। 90 रुपये का कट्टा आता था गुड़ का, गुड़ बेचता था मैं उस टाइम। गुड़ बेचा था क्या, उसने हबीब ने बेचारे ने मुझे तराजू मार दिलवाए थे, अपने पास में 40 के 40 कट्टे मेरी दुकान में रखवा दिए थे और कहा था जब तुम्हारे पास पैसे होंगे बेचते रहना देते रहना। तो बताइए कहाँ है हमारी, मतलब ये हम तो ये मानते हैं कि हम कहाँ भटक रहे हैं और वो मिसाल हम क्यों नहीं पैदा करते, आज क्यों बिखराव आ गया, आज हमें ताकत की जरूरत है। मेरा आदाब सभी को प्रणाम, नमस्कार। मुझे तो बड़ा गर्व का अनुभव हो रहा है कि जमीयत उलेमा हिंद ने मुझे आमंत्रित किया। अल्लाह बहुत बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं इस इत्तेहाद बैनुल अक़वाम के जलसे में शुक्रगुजार हूँ मौलाना कलीम साहब का और जमीयत उलमाए हिंद और दीगर उलमा हज़रात गुज़ला और मोहतरम और मुकर्रम सामईन हज़रात। वक्त की किल्लत है, दो तीन बात और दो तीन ही मिनट में आज के दरमियान में बयान करूँगा। अल्लाह ने इंसान को जब पैदा किया उसकी खिलकत का मकसद बयान फरमाया कि वमा खलकतुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून। हमने जिन्नो इंस को खल्क नहीं किया मगर इसलिए कि वो हमारी इबादत करें। यानी इंसान की खिलकत का मकसद सिर्फ और सिर्फ इबादत इलाही है, लेकिन बशर्त ये है कि ये इंसान इंसान बनकर जिंदगी गुजारे। क्योंकि इंसान के लिए जानवर बनना भी आसान है। अगर यही इंसान कत्ल व गारत पर उतर जाए तो जानवर क्या जानवर से बदतर हो जाएगा। इसी तरह एक इंसान के लिए इंसान बनकर जिंदगी गुजारना बड़ा मुश्किल मरहला है। जिस तरह एक इंसान के लिए इंसान बनकर जिंदगी गुजारना बड़ा मुश्किल मरहला है, इसी तरह एक मुसलमान के लिए मुसलमान बनकर जिंदगी गुजारना भी बहुत अहम है और बहुत ज़रूरी है। दुनिया में आज जहाँ भी आप हिंदुस्तान में देखिए, दीगर कंट्रीज में देखिए, दूसरे ममालिक में देखिएगा, मोहम्मद पैगंबर सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत से हमें मालूम होता है, आप तमाम हजरात जानते हैं इस्लाम का सबसे खुला हुआ दुश्मन यहूदियत है। यहूदियत से बड़ा इस्लाम का कोई दुश्मन नहीं है। जब से यहूदियत की एंट्री हिंदुस्तान में हुई है तभी से तमाम मुल्क के हालात बिगड़ना शुरू हुए। आप तारीख को देखिएगा, हिस्ट्री को देखिएगा, जो आप देखिए, जब से यहूदियत की एंट्री हिंदुस्तान में हुई तभी मुल्क के हालात बिगड़ने शुरू हुए।